चुपचाप खड़ा रहे वरना यही ठोक दूंगी। आप मुझ भिखारी साथ बहुत गलत कर रही हैं। मैडम जी मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ भिखारी से क्यों शादी करना चाहती हैं। मैडम जी मैं आपके खर्चे नहीं उठा पाऊंगा, मुझे तो लगता है आप पागल हैं क्या। सर 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 आपकी बहन काली माता के मंदिर में शादी कर रही है, क्या बकवास कर रहा है। अरे ये पंडित कहाँ मर गया, अरे मेरे भाई को पता चला ना वो तो मुझे मार ही डालेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक पुलिस वाले से झूठ क्यों बोलूंगा। तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे पता भी है तू एक पुलिस वाले की बहन के बारे में बात कर रहा है। अरे सर मुझे लगता है कल रात को इस भिखारी ने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है। और सुन दो झापड़ मारूंगा ना तो तेरा सारा का सारा नशा उतर जाएगा, चल निकल यहाँ से और इसको फाड़ के फेंक। सर मेरी बात मत मानिए लेकिन एक बार मेरे साथ काली माता मंदिर तो चलिए। वैसे मुझे लग रहा है कि हमें इस भिखारी की बात माननी चाहिए और एक बार काली माता के मंदिर चल के देखना चाहिए। साले तेरी बात अगर झूठी निकली तो तेरी बलि तो मैं उसी काली माता के मंदिर में चढ़ाऊंगा। साहब जो करना होगा कर लीजिएगा, जल्दी चलिए। चलो मेरे साथ। अरे सर ये भिखारी तो सही कह रहा था, ये तो सच में आपकी बहन है। प्रीति ये तुम क्या करने जा रही हो, तुम इस भिखारी से शादी करोगी। भैया आप। हाँ मैं। प्रीति तुझे इस भिखारी को देख के घिन नहीं आती, मुझे तो इन जैसे भिखारियों को देख के घिन आती है। क्या तुमने कभी सोचा है इस भिखारी से शादी करने के बाद हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समाज में इज्जत, इज्जत की तो आप बात ही मत करिए। और भैया आपको सच में गरीबों से घिन आती है क्या। रोशनी बाहर आओ। रोशनी तुम्हें ये लड़की कहाँ मिल गई। भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़की आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, पर मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। हाँ बहन तुम सही कह रही हो, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये ना मुझे फंसाना चाहती है। मेरे भैया तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हें अपने इज्जत की फिक्र जो बहुत है और इन्हें गरीबों से घिन भी आती है, क्यों भैया सही कहा ना मैंने। हाँ बहन तू सही कह रही है, ये लड़की ना झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है, इसे ना सिर्फ पैसे चाहिए। हाँ सर आप सही कह रहे हैं, इन जैसे लड़कियों को ना पैसे देकर ही मैटर खत्म कर देना चाहिए। दीजिए पैसे इनको, हटाइए यहाँ से। ये लो पकड़ो 20,000 रुपए, और चाहिए तो ले लेना और मेरे पीछे मत पड़ना। तुमने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया। मुझे तो आपको एक इंसान कहने में भी शर्म आती है, भैया अब तो सच बोल दो। हाँ प्रीति इसके पेट में मेरा ही बच्चा है, पर मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ, इसके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। भैया ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, एक गलती आप कर चुके हैं, अब दूसरी गलती मैं नहीं करने दूंगी। सर वैसे आपकी बहन बिल्कुल सही कह रही है, गलती तो आपने की है, आपने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया है, भगवान ने आपको आपकी गलती सुधारने का मौका दिया है, अब आपको उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है बहन मैं तो रोशनी से शादी कर लूंगा, लेकिन बहन पहले तुम ये बताओ तुम इस भिखारी से शादी क्यों करना चाहती हो। ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बल्कि आपको सबक सिखाने के लिए भिखारी बना था। क्या आपको जानना है ना मैं कौन हूँ, मैं रोशनी का भाई हूँ। तुम इसके भाई हो। और भैया शादी हम दोनों नहीं बल्कि आप दोनों करेंगे। भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरी, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।